अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ मैं, जिसमें बनाने वाली हूँ मैं भरवा करेले की रेसिपी। और यकीन मानिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुई थी। एक बार अगर आप इस तरह से करेले बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और ज़्यादातर घरों में बच्चों को करेले नहीं पसंद होते हैं, बच्चों को ये सब्ज़ी नहीं पसंद आती है करेले की। और कुछ कुछ बड़े भी होते हैं जिनको ये सब्ज़ियाँ पसंद नहीं आती है, करेले से रिलेटेड कोई भी सब्ज़ी उनको पसंद नहीं आती है। बट अगर आप इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं थी, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं था इसमें, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लग रहे थे। और इंशाल्लाह अगर आप ट्राई करेंगे तो सभी को पसंद आने वाली है ये रेसिपी, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये भरवा करेले की रेसिपी बच्चों को, बड़ों को, सभी को इंशाल्लाह पसंद आने वाली है। जिनको करेले नहीं भी पसंद है उनको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करती हूँ, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी भरवा करेले की। तो सबसे पहले भरवा करेले बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 1/2 kg करेले, 500 ग्राम करेले मैंने ले लिए हैं, 5 से 6 करेले मेरे पास हैं और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सॉफ्ट ये करेले थे। और ज़्यादा मोटे करेले मैंने नहीं लिए हैं, पतले वाले ही करेले मैंने लिए हैं। और ये इसका छिलका मैंने इस तरह से उतार के एक साइड पर रख लिया है, छील कर इसे एक तरफ रख लिया है। इसे भी मैं ग्रेवी में यूज़ करने वाली हूँ। और 4 प्याज मैंने मीडियम साइज़ की कट करके रख ली हैं और 2 तरह से मैंने चॉप की हैं प्याज को, थोड़े छोटे छोटे पीसेस भी मैंने कट किए हैं और थोड़े से बड़े पीसेस भी मैंने कट किए हैं। बट सारी प्याज को मैंने रफली चॉप किया है। और ये जिंजर गार्लिक ऑनियन का पेस्ट है जो कि मैंने बना के एक साइड पर रख दिया है। और ये सौंफ लिया है मैंने तड़के के लिए, काली जीरी, और एक ग्रीन वाली छोटी सी बाउल में मैंने इमली मेरे पास पड़ी हुई थी उसको मैंने पीस कर रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं मसाला रेडी करने लगी हूँ। इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर। थोड़ा सा सॉल्ट भी मुझे ऐड करना है इसमें, क्योंकि ये ग्रेवी के लिए मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी मैंने और ऐड किया है। रेसिपी के लिए यूज़ में आने वाली सभी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं। और ये वही करेले के ऊपर का छिलका है जो कि मैंने यूज़ किया है, यूज़ करूँगी इसे, मैं फेंकूँगी नहीं, इसको ग्रेवी में ही मुझे यूज़ करना है। और ये जो करेले मैंने छील कर रखे हैं इनको मैंने बीच में से कट कर लिया है, बीच में से चीरा लगाया है मैंने इसमें। इसको अलग नहीं करना है हमें, बिल्कुल भी जोड़ के रखना है, थोड़ा सा बस इसमें बीच में कट हमें देना है, बाकी इसको अलग हमें नहीं करना है। तो इसके ये बीज निकले थे, सभी करेलों को मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है। इसके बीज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट निकले थे बट मैंने इन्हें यूज़ में नहीं लिया है। आप चाहें तो इस तरह के सॉफ्ट बीजों को आप ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। करेले बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे इसलिए इस तरह के सॉफ्ट बीज निकले हैं। अगर कुछ दिन पुराने करेले आप लेते हैं तो उसमें टाइट बीज निकलता है जो कि आप ग्रेवी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। और कट लगाने के बाद, चीरा लगाने के बाद मैंने एक प्लेट में इन्हें निकाल लिया था और सबसे पहले मैंने डाला था इन सभी करेलों पर हल्दी पाउडर, और उसके बाद में मैंने डाला था थोड़ा सा नमक। और इनको अच्छी तरह से मुझे मल लेना था, मिक्स कर देना था, करेलों के अंदर भी जहाँ से मैंने कट लगाया है वहाँ पर भी मैंने अच्छे से हल्दी और नमक को लगा कर रख दिया है। और अब मैंने ले लिया है एक पैन, नॉनस्टिक पैन मैंने लिया है और गैस की फ्लेम को कर लिया है मैंने हाई। और इसमें डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है इसमें, ज़्यादा नहीं डाला है। और इसे मुझे अच्छे से पका लेना है मस्टर्ड ऑयल को, उसके बाद में मैं इसमें तड़का ऐड करूंगी जो कि मैंने सौंफ लिया था, काली जीरी ली थी, आप चाहें तो अजवाइन भी ले सकते हैं बट मैंने यहाँ पर अजवाइन स्किप किया था। तेल को गर्म होने के बाद में अच्छे से, उसके बाद में मैंने सौंफ ऐड किया था, काली जीरी ऐड कर दी थी और अच्छे से इन्हें थोड़ा सा मैंने भून लिया था लो फ्लेम कर लिया था मैंने गैस को, 1 मिनट के लिए मैंने इन्हें लो फ्लेम पर भूना था।
उसके बाद में इनको भुनने के बाद में मैंने लिया था प्याज जो कि मैंने चॉप करके रखा था रफली, और उसको मैंने ऐड कर लिया है इस तड़के में। और इसे अच्छे से मुझे फ्राई करना था प्याज को। मैंने हल्दी लगाई थी करेलों पे, हल्दी और नमक, तो इसलिए हाथों पे भी कलर बहुत ज़्यादा अच्छे से आ गया है हल्दी का। हल्दी काफ़ी अच्छी है, होनी चाहिए ताकि कलर भी सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए, और हल्दी मेरे पास काफ़ी अच्छी है। और डिश में, किसी भी डिश में हल्दी का कलर परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छा कलर आता है उससे सब्ज़ी का। मैंने प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूना है मीडियम फ्लेम पर, और प्याज को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मुझे भूनना था, मैंने भून लिया है उसको, और ब्राउन नहीं करना है इसलिए मैंने मीडियम फ्लेम पर प्याज को भूना था। अब बहुत ही अच्छे से प्याज मेरी भून चुकी है, इसमें अब मुझे बाकी का मसाला ऐड करना था। प्याज के भुनने के फौरन बाद मैंने फिर उसमें करेले के छिलके जो मैंने छील कर रखे थे वो डाल दिए हैं। इनको फिर मैं भूनूंगी कुछ देर के लिए ताकि इनका कड़वापन निकल जाए इनका, और थोड़े ये सॉफ्ट भी हो जाएं क्योंकि ये कच्चे थे। तो थोड़ी देर मुझे प्याज के साथ ही इसको फ्राई करना है, मिनिमम मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें फ्राई किया था लो फ्लेम पर। आप चाहें तो इन करेलों के छिलकों में कुछ देर के लिए नमक लगा के भी रख सकते हैं ताकि इनका कड़वापन निकल जाए, बट मैंने ऐसे ही रखा था और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लग रहे थे। फिर इसके बाद में मैंने इसमें सौंफ का पाउडर ऐड किया था जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं है, ये मैंने अलग से ऐड किया था, ये मैंने पीस के रखा है सौंफ का पाउडर, इससे काफ़ी अच्छा करेलों में फ्लेवर आ जाता है। तो ये मैंने सौंफ का पाउडर इसमें थोड़ा सा ऐड किया था और कुछ देर के लिए मैंने इसे भूना था। उसके बाद में मैंने इसमें जो मसाला रेडी करके रखा था लहसुन अदरक प्याज का, वो थोड़ा सा मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। बाकी सारे स्पाइसेस मैंने आपको दिखा दिए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ में थोड़ा सा मैंने जो इमली मैंने पीस के रखी थी वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें ताकि ये अच्छे से भुन जाएं, सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं, और थोड़ा थोड़ा पानी में मसाले में ऐड करती जा रही हूँ और साथ में इसे भूनते जा रही हूँ। लो फ्लेम पर मैंने गैस को रखा है, वरना तो ये जो मैंने ड्राई सौंफ का पाउडर वगैरह डाला है वो सब जल जाता है, जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर फ्लेम हाई रहती है गैस की। तो अभी मैंने फ्लेम को लो ही रखा है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसे भूनते जा रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू सौंधी सौंधी सी इसमें से आने लगी है। मसालों को अच्छे से आपस में कोट हो जाने के बाद में मैंने सबसे पहले इसमें पानी डाला है थोड़ा सा, ताकि ये जो करेले हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, और मैं यहाँ पर लिड लगा दूँगी अच्छे से इसको कवर करके। लो फ्लेम पर अब मुझे पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अब मैंने इसे छोड़ दिया है पकने के लिए, और ये देखें ये पककर रेडी हो गया है। 3 से 4 मिनट इसे लगे हैं पकने में, और कितना प्यारा इसका कलर आया है। बट अभी थोड़ा इस ग्रेवी में पानी सा था, तो अभी मुझे थोड़ा सा और 5 मिनट के लिए इसे पकाना था, तो मैंने ढक दिया है मैंने दोबारा इसे, और इसे फिर से मैंने 1 से 2 मिनट के लिए पकाया था। उसके बाद मैं इसे चेक करने लगी हूँ, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनकर रेडी हुई है, और ये सारा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो चुका है। अब ये ग्रेवी मुझे हल्की सी इसे ठंडी करनी थी, और फिर मुझे फिल करना था इनको करेलों में, और मैंने स्पून से ये करेलों में फिल कर लिया है अच्छे से, जहाँ तक मैंने इसमें चीरा लगाया था वहाँ तक मैंने अच्छे से फिल कर लिया है करेलों को इस तरह से। धीरे धीरे हमें इन्हें फिल करना है ताकि ये अच्छे से फिल हो जाएं। आप चाहें तो थ्रेड से भी इन्हें बांध कर पका सकते हैं, आगे का प्रोसेस थ्रेड से बांध के कर सकते हैं, बट मैंने इसी तरह से बनाया है, मैंने इनको थ्रेड से नहीं बांधा था, तो मैंने इन्हें ओपन ही ऐसे पकाया था। अभी थोड़ा मसाला गर्म ही था, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, बट मैंने मुझे सब्ज़ी बनानी थी जल्दी, तो मैंने जल्दी जल्दी से भर दिया है,
अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से इस मसाले को ठंडा करें और उसके बाद फिल करें आसानी से। मेरे पास कुछ मसाला, कुछ ग्रेवी बच गई थी तो मैंने उसे भी एक प्लेट में निकाल लिया है और इसको भी मैं इसी सब्ज़ी में यूज़ करने वाली हूँ। जितनी भी ग्रेवी बच गई थी उसको मैंने सभी को एक साइड पर रख लिया था। उसके बाद में मैंने पैन रख दिया था, उसको उसमें मैंने डाला था मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा और उसको अच्छे से मैंने गरम किया था फिर से। और इस बार मैंने थोड़ा और कम मस्टर्ड ऑयल लिया है क्योंकि करेले भी मुझे अभी फ्राई करने थे इसी में। मस्टर्ड ऑयल मेरा अच्छे से गरम हो गया था, फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें हींग। ज़ीरे को लाइट ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी डाल दी थी जो मैंने प्लेट में निकाल के रखी थी, वो ग्रेवी मैंने इसमें डाल दी है और ये अच्छे से भुन चुकी थी, भुनी हुई थी पहले से ही। तो मैंने अब इस ग्रेवी को, सारी ग्रेवी को इसमें डालने के बाद में मुझे करेले इसमें डालने थे और ग्रेवी को डाल के एक मिनट के लिए मैंने इसे चला लिया था ताकि ग्रेवी ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद में मैंने वन बाय वन करेले सेट कर दिए हैं अच्छे से पैन में, ये देखें इस तरह से। और इनको अच्छे से डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला है ताकि ग्रेवी जले ना, और उसके बाद में मैंने ढक दिया है इसको, अच्छे से कवर कर दिया है लीड से। और उसके बाद में करेले मेरे बनकर रेडी हैं। मैंने कम से कम इन्हें 12 से 15 मिनट के लिए मैंने इन्हें पकाया था और मैं इन्हें बीच बीच में पलटती भी रही थी, इन्हें हल्का हल्का सा घुमाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से सिक जाएं अच्छे से। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी हुई थी। इंशाल्लाह आप सभी को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।